आमने सामने होंगे डेजर्ट वाइपर्स और दुबई कैपिटल्स, दुबई इंटरनेशनल में भी इनके स्ट्राइक रेट पर नजर रखिए। का साथ देने के लिए एलेक्स हेल्स है 195 रन, रिचर्ड रावा के हाथ में वो नई गेंद 93 विकेट। बढ़िया लेंथ यहाँ पे, थोड़ा गेंद को आगे रखने का प्रयास। जी हाँ, सबा जब सतह को देखा था तो बड़ी सूखी नजर आ रही थी। और ये कड़क शॉट है, जबरदस्त संपर्क, वन बाउंस से ये 4 रन मिलेंगे अंतिम गेंद पे। ये बाहरी किनारा पर सही जगह गिरी ये गेंद, बाहरी किनारा, मोटा बाहरी किनारा, और इस पारी का पहला छक्का। तरफ जो बाउंड्री है वो भी काफी बड़ी, और फिर से थोड़ी बैकअप लेंथ गेंद थी और सही नसीहत देते हुए और उठा के खेला है। बहुत ही बेहतरीन संपर्क, क्या शॉट है, बहुत ही आकर्षक, और फिर से पकड़ लिया उस गति में, मिशन किया था, और नतीजा मैक्सिमम 6 रन। और इस बार फिर से गैप में गति का इस्तेमाल किया, बड़ी बैकअप लेंथ थी, फील्डर अंदर सर्कल के 4 रन और मिलते हुए 4.1। रिवर्स स्वीप, सीधा हाथ में, विकेट की तलाश थी, विकेट दिलाई, स्पिनर आए और विकेट ना दिलाए ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा खेल चुके हैं, ये लीजिए कदमों का इस्तेमाल और स्वैग से किया इनका भी स्वागत 6 रन के लिए। रुकेगा नहीं बल्ला आज हेल्स का, हेल स्ट्रॉम। कमाल का शॉट है भैया, कमाल का टाइमिंग, लाजवाब 6 में, और ये भी ताल्लुक बहुत से जुड़ा है बल्ले के साथ छक्के के लिए। तो इसी के साथ हेल्स ने हाफ सेंचुरी बना के साबित किया, सफलता जो मिली है उनके नाम। इस बार उठा के खेला, फील्डर डीप में तैनात है, नीचे आता हुआ और यहां पे वापस जाना पड़ेगा वाइपर्स के ऊपर, और वापस जाना पड़ेगा। पूरी तरह से चकमा दिया, ड्राइव करने का प्रयास किया था मंड्रो ने, और इस बार उठा के खेला ऑन साइड पे, कड़क शॉट, मिलेंगे 4 रन और। बहुत जल्दी लेंथ को आज परख रहे एलेक्स हेल्स, इस बार सीधा हाथ में, और वापस जाना होगा एक सेट बल्लेबाज को, यानी कि एलेक्स हेल्स को। ये बड़ी विकेट, हाँ अब एक और मुश्किल बॉलर सिकंदर ने जीतेगी, और आज ये डेजर्ट वाइपर्स के साथ थे। अच्छा शॉट, ये यॉर्कर डालने की कोशिश पर इसके लिए तैयार थे जोन्स, मिड ऑफ ऊपर, नजारा कुछ अलग, गेंद हावी हुई, फिर ये बड़ा शॉट है 6 रन के लिए, ये कनेक्शन इस बार सही, और फिर से हवा में, इस बार कनेक्शन हुआ नहीं है, विकेट गिर सकता है और गिर गया विकेट। ये 169 रन बनाए थे, अब यहां पर उससे ऊपर हो गया स्कोर, 2 रन ले खेल के भाग पड़े हैं और 2 रन ले भी लिया। इसकी थोड़ी सी मूवमेंट मिलती हुई, अंडर लाइट हमेशा ये नजर आता है, नई गेंद को कैसे यहां पे खेलेंगे, बड़ा अहम रहने वाला है। तो बाउंड्री राइडर्स शुरू में रन मिलेंगे, काफी फाइन खेला है, पहले रन आते हुए दुबई कैपिटल्स के लिए इस इनिंग्स में। अच्छा शॉट, बहुत जल्दी फरक लिया था लेंथ को, मिलेंगे 4 रन यहां पे, अच्छी पोजीशन में आ गए थे 8 विकेट नुकसान के पहले ओवर के बाद। बात करेंगे सैम करन, उठा के खेला है और इनफील्ड को क्लियर करते हुए एक और sky247.net सुपर 4 आता हुआ रन निकल रहे हैं। मेरे साथ है शोएब अख्तर, स्वागत है आपका। देखिए यही मजा है ऊपर, ये देखिए कैच, ये कैच देखिए, जितनी बार आप देखेंगे उतना मजा आएगा। गोल्डन को वापस जाना होगा, थोड़ी मांसपेशी में खिंचाव आया है, पर ये कैच तो पकड़ लिया इन्होंने। ओह ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत, कंप्लीट लाइन मिस करते हुए मोहम्मद आमिर, गेंद ऊंची गई है बहुत, और ढूंढ लिया वहां अपने खिलाड़ी, और वो गलती नहीं करने वाले, बड़ी विकेट है ये, मुश्किल है। चलिए निकल गई गेंद, 4 रन, खराब लाइन, खराब लेंथ, 4 रन, बल्लेबाज को कुछ करना ही नहीं पड़ा, गिफ्ट के तौर पे इसको स्वीकार किया। शॉट सही है,
ओ अच्छा प्रयास, बहुत ही अच्छा प्रयास। 46 गेंदों के बाद पहली बाउंड्री आई है, वो भी सैम बिलिंग्स के बल्ले से। सैम करन थे वहां फील्डर। अच्छा शॉट, ये लीजिए सब भाई के लिए शॉट मारा उन्होंने। दो बड़े ओवर जो चाह रहे थे उसमें से एक ये हो आएगा, बिल्कुल आएगा। चार रन और मिलेंगे, लीजिए आपको और क्या चाहिए बताइए। ब्यूटीफुल, नहीं कुछ हो सकता। ओह अच्छा शॉट, फाइनली उल्टा स्वीप मारी और चौका मिला। सैम बिलिंग्स, और इस बार सीधा 6 रन, ये फ्लैट छक्का है, ये देखिए। ये नहीं टूटती, आज तो गेंदबाजों की कमर टूटेगी। ये मन बना के बल्लेबाजी की है सैम बिलिंग्स ने, और अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अभी तक कुछ हुआ नहीं था, चलिए था ये छक्का, आप भी सैम करन की तरह। और लीजिए ज्ञान, 111 पे 3। सामने बिल्कुल रिव्यू लिया गया है, आप भी जाएंगे, रिव्यू भी जाएगा। Here comes the ball tracking. Pitching in line, impact in line, wicket sitting, you're on screen, signal now. ये आपने आउट तो अभी दिया है, सैम बिलिंग तो बहुत पहले ही समझ गए। कंट्रीब्यूशन रहा है इनका, पीप का प्रयास वहां, 4 रन मिल सकते हैं, जी हाँ मिल गए। सिकंदर नहीं रुकेंगे, ये सेट खेल रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये रन मिल गए, रन मिल गए और मिल गए 4 रन। चले अंतिम गेंद पे बाउंड्री आते हुए 17 ओवर के समाप्त से 143 पे 4 दुबई कैपिटल्स की। और इस बार फिर से वो बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, फील्डर टीम में तैनात। मुझे कई बार ऐसा लगता है शोएब की प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं सैम करन, बहुत ज्यादा गति में परिवर्तन करने का प्रयास करे। अर्धशतक पूरा किया सिकंदर रजा ने, अभिवादन मिलता हुआ उनके खेमे से, डग आउट से। एक बेहतरीन पारी रही है सैम बिलिंग्स ने, पहले अच्छा कार्य किया। और यहां पे विकेट, यहां पे विकेट, फुल टॉस मिस कर बैठे, और अभी भी ये मुकाबले में ट्विस्ट आ गया है। ये बड़ी विकेट, क्योंकि शानक का ये डेंजरस नजर आ रहे थे सैम करन। अंतिम गेंद और एक विकेट मिलती हुई, जोर से मारने की कोशिश की थी, इसी वजह से जो कंसंट्रेशन है वो गलत हो गया। यहाँ पर उनको भी यकीन नहीं हुआ कि बॉल में कैसे मिस कर गया। कैसे इनिंग्स में इस बार मिलेगी बाउंड्री, यहाँ पे अहम बाउंड्री है, अहम रन है दुबई कैपिटल्स के लिए। ये परीक्षा रहेगी इस युवा गेंदबाज की। ओ बारी किनारा, और यहाँ पे मिलते हुए 4 रन, पहली गेंद पे बाउंड्री आती हुई, लकी बाउंड्री कहना होगा। पर ये कह रहे होंगे सिर्फ दुबई कैपिटल, रन कैसे भी आए रन आने आवश्यक है। जब तक लगा तब तक तो बहुत देर हो गई थी। चलिए यहाँ पे अच्छी वापसी, अच्छी वापसी। अभी ये मुकाबला समाप्त हुआ नहीं, अभी पिक्चर बाकी है, अभी पिक्चर में ट्विस्ट है। चौके की कोशिश में ये परेशानी हो सकती है। चलिए एक रन आ गया यहाँ पर, अब 3 बॉल 8 रन, वो भी सिकंदर राजा स्ट्राइक पर। ओहो, वो एक ऑप्शन है यहाँ सिकंदर राजा के लिए। उठा के खेला है ऑन साइड पे, गेंद गैप में गई है, वापस आएंगे सिकंदर रजा, 2 रन और मिलेंगे। ओ यहां पे डॉट डिलीवरी, और बहुत बढ़िया सोच यहां पे, कदमों का इस्तेमाल करके आ गए थे सिकंदर रजा, चूक गए यहां पे। उठा के खेला है और ये 6 रन मिलते हुए सिकंदर रजा, इनकी रजा कुछ और ही थी, क्योंकि मुकाबला जिता दिया है सिकंदर रजा ने। शोएब, सबा करीम, सभी हैरान है, या हो क्या गया, क्या मैच जीता है यहां पर दुबई कैपिटल्स ने। अंतिम गेंद पे चाहिए था 6 रन और जड़ दिया छक्का सिकंदर रजा ने। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब, जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।